मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उनके लिए बागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से आप, मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नींद लेने दीजिए, आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है मां बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है, तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो बागवती जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो दो हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि दो हिस्से में ले, माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है, 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी, तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में बागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14, तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है।